सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सरकार बताए उनके पास वर्गीकरण की क्या पॉलिसी है, किस आधार पे वो वर्गीकरण करना चाहते हैं, कौन से आंकड़े उनके पास है, कौन सा डाटा उनके पास है। अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो लड़ाई आमने सामने लड़ी जाएगी। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में हैं जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, एकजुट ना हो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। अंतिम पायदान पर रहने वाले जिनको डीएससी के भाई कहा गया है, जो हमारा परिवार है, अगर उनका 1% आरक्षण भी पॉइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करेंगे। 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित हैं, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, आरक्षण की कैप खत्म की जानी चाहिए और 100% रिजर्वेशन इस देश में लागू होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का लाभ उनको मिलना चाहिए। आज जिस तरह से मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को जमींदज किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनके कारोबारों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से उन पर हिंसा हो रही है, जिस तरह से भय का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों याद रखना, अभी जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता जिंदा है, आपका ये बांटने का सपना, टराने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग याद रखना। अपनी जगह से उठो मत। अगर आप अपनी जगह से उठोगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। मैं तो ये खुद लगवा रैंप कि आपके बीच तक आ सकूं, लेकिन आप समझो मेरी भी दशा को समझो। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मेरी मौत कल की आती आज आ जाए मुझे आपकी परवाह है, वरना मुझे आप लोग परेशानी होती मुझे क्या फर्क पड़ता। आप अपनी जगहों पे बैठ जाओ, फिर से कह रहा हूं बैठ जाओ। मैं मानता हूं कि ग्राउंड छोटा पड़ गया, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात को समझता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अगर रामलीला मैदान में रैली होती तो वो भी छोटा पड़ता आज, मैं इस बात को भी जानता हूं। लेकिन मैंने जो आपको सिखाया है, अगर आप उस पर नहीं काम करोगे तो नहीं बनेगी बात। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, 1 घंटा परेशानी झेल लो, क्या हो जाएगा। हम किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम किसान कमेरे वर्ग के लोग हैं, हम वो लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, हम वो लोग हैं जो मजदूरी काम करते हैं, हम वो लोग हैं जो बिल्डिंगें बनाते हैं, हम लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, हमें आदत है परेशानियां सहने की, तो सह लो, क्या हो गया। अगर आप मेरे लिए कहे के बाद इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा है। आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं, मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा वीआईपी हैं। जितना सम्मान मैं उस मंच पे बैठे लोगों को करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि जैसे मंच पे बैठे हैं जिम्मेदारी से सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, इस देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करती, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते हैं, राजा का आचरण भी राजाओं जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते, राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनने की तरफ नहीं आगे बढ़ोगे।
अगर बंदर को राजगद्दी सौंप दी जाए क्या राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था आप और मैं जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग चेल्लुम के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके लोग भी आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी की दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह के अव्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में हैं, दिल्ली की सड़कों पे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो ये लोग उठ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है। अगर एक चीटी के बच्चे को भी कोई बेकह रहा है, देखो आप हमारी ताकत। यह है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बल। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में होके आया। मैं जब दूसरे देश में गया मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं आस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आके अपनी बात को रखें। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है, लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहां पहुंचा तो पता लगा परमिशन और इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने, समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के सीपी सिंह जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से तालियां बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हर एक आंदोलन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहता है। धन के आधार पर, संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश ने अपने ताकत का एहसास पूरे देश को कराया है।
तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, वहां हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथियों का, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग रहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला विधानसभा के संगठनों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद मैं और आप सब लोग मिलकर स्वागत करेंगे नगीना लोकसभा के लोगों का, जिन्होंने एक एक वोट डालकर आपकी ताकत को बनाने का काम किया। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करें नगीना के लोगों का। नगीना के लोगों का धन्यवाद कर दूं? बताओ, कर दूं या नहीं कर दूं? बताओ, नगीना के लोगों की इज्जत करते हो नहीं करते हो? बताओ, नगीना के लोगों का सम्मान करोगे नहीं करोगे? बताओ, नगीना तुम्हारे दिल में है या नहीं है? बताओ। तो मैं नगीना के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आज के जो आयोजक कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी विषय पर बात करनी है। अगर आप बोलते रहेंगे या कोई भी शोर आएगा तो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाएं। ये जगह कम है, मैं जानता हूं, इस वजह से बार बार अव्यवस्था हो रही है। अगली बार हम जब राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे तो वो इससे बड़े वाले मैदान में, जहां 50,000 लोग बैठ सकते हैं, जो इसके बराबर में है, 15 मार्च को अगला कार्यक्रम हम लोग वहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, आज मेरे कंधों पे, आजाद समाज पार्टी के कंधों पे, भीम आर्मी के कंधों पे, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो एकता बहुजन समाज में हमारे महापुरुष बना के गए, वो एकता टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी, हमारे पढ़े लिखे समाज की, हमारे कर्मचारियों की, हमारे अधिकारियों की, हमारे नेताओं की, हमारे विधानसभा सेक्टर बूथ से लेके जिले, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि जो एकता हमारी बनी है वो टूटनी नहीं चाहिए। दुश्मन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना। अभी ये रैली पड़ी, ये आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी कई कारण हैं। और मैं अपने नेताओं से यह आग्रह करूंगा कि वो आज के बाद कमर कस लें और गांठ बांध लें कि जो प्रयास भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया है हमारी एकता को कमजोर करने का, किसी भी कीमत पे वो एकता कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में हैं जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, एकजुट ना हो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम की, जैन की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, तमाम उन लोगों की जिनको आज भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही है। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों की। मैं पहले जो विषय है उस पर अपनी बात रखूंगा, फिर मुझे अपने दिल की बात आपको कहनी है। पहला जो विषय हमारा है, जिस पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सरकार से हमारी क्या मांग है, सबसे पहले उस पे मैं अपनी बात रखूंगा। हमारी पहली मांग ये है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। जब तक जनगणना नहीं होगी तो ये नहीं पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। तो केंद्र सरकार
जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है और कुछ लोगों को जानबूझ के उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देके कहता हूं, अपने बहुजन समाज के सामने जातिवार जनगणना कराइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराइए। अगर अंतिम पायदान पर रहने वाले जिनको डीएससी के भाई कहा गया है, जो हमारा परिवार है, अगर उनका 1% आरक्षण भी पॉइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप याद करो, जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का यह षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में यह दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। आप और मैं जानते हैं, जब हम मुट्ठी बनकर रहेंगे तो कोई हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता, लेकिन जब जब हम बट जाएंगे, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर आप झाड़ू के सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे, लेकिन अगर उन वो जो सिक्के होते हैं अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है, लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित हैं, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इसमें कब हुआ, जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के, जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता।
ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुर्म जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, हॉलैंड में जी रहे हैं, नीदरलैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी इस देश में नहीं जी सकते, इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते, उनके लोग उनके पूंजीपतियों के लाखों लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपए का बिल भी बाकी हो तो 10,000 रुपए का बिल भी अगर आप नहीं दोगे तो मुकदमा लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो, इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पे सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ इस देश में जातिवार जनगणना के साथ साथ जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो जुडिशरी हो जहां से हमारे खिलाफ लगातार फैसले आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो और कोई सरकारी संस्था हो, सब लोग सब जगह पे आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात। साथ साथ हमारी ये भी मांग है जो मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि निजी क्षेत्रों में आप इस बात को समझो गौर करके, इस देश में 2% सरकारी नौकरियां, कितने परसेंट जोर से बताओ? 98% प्राइवेट सेक्टर है, कुछ ऑर्गेनाइज है, कुछ अनऑर्गेनाइज है। आप ये देखो 2% में तो बंटवारा है, लेकिन 98% पे पुरानी सत्ता वाले लोग और आज की सत्ता वाले लोग सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। ना वहां एससी एसटी के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना ओबीसी के लोगों का है, ना ही मुस्लिम लोगों का है। तो हमारी मांग ये भी है कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। साथ साथ हमारी ये मांग है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन भी इस देश में लागू होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोगों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन भी सरकारी संस्थानों में लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ। हमारी ये भी मांग है कि मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू नहीं होगी तब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी और सम्मान नहीं मिलेगा। हमारी ये भी मांग है, सरकार कह रही है कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए और जज साहब भी कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि भारत में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अरबपति बन गए, इसका डाटा आपको सार्वजनिक करना चाहिए, आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि क्रीमी लेयर की स्थिति में हम आए नहीं आए। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आज भी बहुत सारे पदों को एनएफएस करके, नॉट फाउंड सुटेबल करके, हमारे योग्य लोगों को नौकरी से निकालने का काम ये सरकारें करती है।
क्योंकि कलम की ताकत उनके हाथ में होती है, जिनकी राज सत्ता पे कब्जा होता है। हमारे लोगों का राज सत्ता पे कब्जा नहीं है, इसलिए सारी योजनाएं हमारे खिलाफ बनती हैं। हमारी ये भी मांग है, जिस पर मैं गौर कर रहा हूं, सरकार ने कहा मैं आज इस पर भी बोलूंगा, आज अगर मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो हमारे लोगों को पता ही लगेगा देश में क्या हो रहा। सरकार ने कहा कि वर्गीकरण लागू होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब आरक्षण पे हमला होता है, जब और किसी तरीके से आरक्षण को खत्म किया जाता है, जब गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, तब जिन जातियों को आज सरकार के इशारे पे गाली दी जा रही है, उनको ही उन्हीं की जिम्मेदारी मान के लोग घर में बैठ जाते हैं कि भाई यही आरक्षण की रक्षा करेंगे, यही अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन सच ये है, अगर सरकार की मंशा वर्गीकरण के जरिए वास्तविकता में निचले पायदान पे बैठे अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने की होती, तो जिस तरह से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 10% आरक्षण की व्यवस्था डीएससी के भाइयों के लिए, डीएससी परिवारों के लिए सरकार कर सकती थी। उनका कोई मतलब नहीं बैठता था कि इन्हीं में टुकड़ा डाल दे, क्योंकि सरकार जानती है इनमें बंटवारा हो जाएगा तो इनके खिलाफ आंदोलन आसान हो जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा कब इनके अधिकार खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बताए उनके पास वर्गीकरण की क्या पॉलिसी है, किस आधार पे वो वर्गीकरण करना चाहते हैं, कौन से आंकड़े उनके पास है, कौन से डाटा उनके पास है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार कमेटियां बना दे और वर्गीकरण किस फॉर्मूले पे करेगी ये भी बता दे, हम सरकार को भी सुनना चाहते हैं। अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो लड़ाई आमने सामने लड़ी जाएगी। सरकार ये भी बताए क्या वह रोस्टर में बदलाव करेगी, क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी, सरकार बताएगी। हमारे लोग तो अभी सही तरह चीजों को नहीं जानते हैं। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना, स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, उन जातियों को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, जब देने की बारी आएगी हम बताएंगे अपने भाइयों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। अभी तो हम पे देने कुछ है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, डीएससी के जो हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हो, धानुक समाज के भाई हो, और बागड़ी समाज के भाई हो, और किसी सैसी समाज के भाई हो, मैं चंद्रशेखर आजाद वचन देके कहता हूं बहुजन समाज के सामने, ये हमारी आपसी बातचीत है, आप दुश्मन के इशारों पे काम मत करो, हम लोग बैठ के अपनी लड़ाई को निपटा लेंगे, हम लोग अपने आप बैठ के चर्चा करके आपके साथ बैठ के, अगर कहीं हमें कुछ डर भी है, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो या हम लोग समझा नहीं पा रहे, अगर आपको अधिकार मिलता है तो बताओ हमारे किसी व्यक्ति को तकलीफ है क्या, बताओ अगर हमारे डीएससी के भाइयों को अधिकार मिलता बताओ, हाथ उठा के बताओ तकलीफ है क्या हमें किसी को। ये इतना बड़ा जन समूह गवाही दे रहा है, अगर डीएससी के भाइयों को कुछ मिलता है तो हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन हम इस सरकार की मंशा को जानते हैं, हम इस सरकार को जानते हैं, इनके चरित्र को जानते हैं, ये देना कुछ नहीं चाहती, ये तो इसको अटका के रखना चाहती हैं। आप ये देख लेना, इन्हीं के कुछ लोग पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे गौर करो, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने 20,000 पदों पे घोटाला किया, हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने 6,800 नियुक्ति की लिस्ट जारी की, फिर अपने लोगों को हाईकोर्ट भेज के उस पर रोक लगवा दी, फिर हाईकोर्ट में फिर हमारे लोग लड़े तो उन्होंने कहा दोबारा लिस्ट जारी करो, इनको अधिकार मिलना चाहिए, तो वोट लेने के लिए हमारे लोगों के सामने कहा कि भाई मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट में इनके बैठे जजों ने फिर से उस पर रोक लगा दी, इसलिए हमें इनकी नियत पे शक होता है। मुझे डर ये भी है, अगर ये अधिकार
स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो बहुत बड़ा वॉयलेशन होगा ही, 340 का, 341 का, लेकिन ए बी का। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि कल जो सरकार सत्ता में आएगी वो किसी भी अन्य जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट में उनको शामिल करके आपके पूरे अधिकार को छिन भिन कर सकती है। अगर ये पावर स्टेट को मिल गई, हमें सरकार की मंशा पे सिर्फ शक है। हमने ये भी मांग की, आपको याद होगा, यूपी के साथी हमारे जानते हैं, हमने पौने दो साल पहले मांग की थी कि जो 52% ओबीसी हैं उनको 27% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने दिया। आबादी से आधा सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ना चाहते हुए सरकार ने कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से रोक लगा के 27% दिया। हमने मांग की 2.25 साल पहले यूपी में, गोरखपुर में पीसी करके, कि ओबीसी की आबादी तो 52% ही है, तो 15% 27% से अलग, 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से अति पिछड़ी जातियों को करानी चाहिए। मांग हमने 2.25 साल पहले उत्तर प्रदेश में उठाई थी। उसके बाद उसी दिन हमने मांग उठाई, क्योंकि हमें न्यायिक चरित्र है। हम बाबा साहब अंबेडकर को, माननीय काशीराम साहब को अपना नेता मानते हैं, हम ज्योतिबा फुले साहूजी महाराज को अपना नेता मानते हैं। हमने मांग उठाई थी, हम मामना रामसूप वर्मा और सर छोटू राम को अपना नेता मानते हैं, हम चौधरी महाराज सिंह भारती को अपना नेता मानते हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुजर को अपना नेता मानते हैं। हमने मांग उठाई थी कि भाई हमारी आबादी बढ़ रही है, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई और जो जनगणना हुई उसके आंकड़े जारी नहीं हुए, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिले पहले तो उनको तैयार किया जाए और फिर उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण शेड्यूल कास्ट में 15% अतिरिक्त देकर उनको मुख्य धारा में लाया जाए। जब हम 2 साल पहले इसकी मांग कर रहे हैं तो हम डीएससी के भाइयों के विरोधी कैसे हो सकते हैं, आप लोग बताओ। तब तो वो आंदोलन भी नहीं चला रहे थे, हम तो आंदोलन चला के मांग कर रहे थे कि मिलना चाहिए मिलना चाहिए। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, हमारी ये मांग है कि अब समय आ गया देश में कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, आरक्षण की कैप खत्म की जानी चाहिए और 100% रिजर्वेशन इस देश में लागू होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का लाभ उनको मिलना चाहिए। आप फिर कह रहा हूं जातिगत जनगणना कराओ और 100% आरक्षण करो, मैं तो स्वर्ण जातियों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, उनको 10% आरक्षण क्यों दे रहे हो? मेरी ये मांग है, मैं तो अपने लोगों के आरक्षण में भी उनके लिए मांग करता हूं, उनकी आबादी तो 15% भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उनका अलग से ब्लॉक बना के उनको 20% आरक्षण सरकार को देना चाहिए और 80% आरक्षण को SC ST OBC के लिए फ्री कर देना चाहिए। जबकि काशीराम साहब तो 85% की बात करते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उनमें भी लोग गरीब हैं, इसलिए मैं उनका 5% और बढ़ा रहा हूं। लेकिन पहले देश को यह तो बता दो जातिगत जनगणना करा के कि भाई अभी तक उनका प्रतिनिधित्व कितना है, अभी तक उनकी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है और कितनी कमी उनकी है जो आपने 10% उनको दे दिया। आज हम लोग एक और मांग भी उठाते हैं कि कास्ट का आरक्षण बढ़ा के उसकी संख्या के आधार पे 25% करना चाहिए। बताओ सहमत हो नहीं सहमत हो, जोर से हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के बताओ सहमत हो नहीं सहमत हो। तो ये हमारी वो मांगे हैं जिनके लिए आज हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, और हम इकट्ठा नहीं हुए, आज तो मजबूरी या अपने देश से प्यार था कि हमने अपने आंदोलन को बदलाव कर लिया। अगली बार अधिवेशन तो होगा इंदौर में, लेकिन जब
तो इस बार एक और बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में और रामलीला मैदान से अपनी ही पार्लियामेंट का घिराव करके अपनी मांगों को उठाने के लिए हम लोग करेंगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? आज जो लोग आए हैं, अगली बार जब आंदोलन होगा तो घर में रहोगे या एक एक आदमी दस दस लोगों को लेके आएगा? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। सम्मानित साथियों, आप ये जानते हो कि मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं। आज इस मंच पे वो सब लोग उपस्थित हैं जिन्होंने अपने खून से भीम आर्मी को सींचा, और भीम आर्मी के मजबूत होने के बाद आज वो सब लोग भी उपस्थित हैं जिन्होंने आजाद समाज पार्टी को अपने बच्चों के हिस्से का पैसा काट काट के एक एक रुपया जमा करा करा के और इस आंदोलन को सींचने का काम किया। आज इस मंच पे इधर और सामने वो लोग उपस्थित हैं जो किसी लाभ के लिए नहीं, बस समाज की सेवा को करने के लिए मैदान में उतरे हैं। काशीराम साहब कहते थे, जब आप समाज को समझाने निकलोगे तो समाज के बहुत सारे लोग आपका आप पे आरोप भी लगाएंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे, आप पे सवाल भी खड़े करेंगे। ये वो लोग हैं जो खुद तो काम करते नहीं, अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए टांग खींचने का काम करते हैं। आप बताओ, अगर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे आजाद समाज पार्टी का आदमी सदन में नहीं होता तो क्या सदन में कोई आपकी बात को उठाता? क्या सदन से कोई आपके हितों के लिए आवाज उठाता? आज आपकी हैसियत भारतीय राजनीति में मजबूत है। आज बड़ी बड़ी पार्टियों पे एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन 2020 में बनी आजाद समाज पार्टी पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसा वैसा नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी टिकाऊ है, टिकाऊ। बताओ पार्लियामेंट में सुनते हो नहीं सुनते हो मुझे? जब मैं विदेश के दौरे से आया तो मैंने महसूस किया विदेश की जिंदगी अच्छी है, हमारे लोग कब तक विदेश की तरफ भागते रहेंगे? हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भारत की जिंदगी भी, भारत में रहने वाले गरीब किसान मजदूर सभी जातियों के लोगों की जिंदगी भी विदेश में रहने वाले लोगों की जिंदगी जैसी होनी चाहिए। फिर मेरी समझ में आया कि ये ऐसे संभव नहीं है, ये ऐसे संभव है जब हम लोग अपनी राजनीतिक ताकत बनाएंगे और सरकार में बैठ के पॉलिसी बना के अपने लोगों के लिए योजना बना के इस तरह के कानून बनाएंगे, इस तरह के लक्ष्य बनाएंगे, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे, उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे, तभी जाके इस देश के लाखों करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी में बदलाव होगा। जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो मुझे सत्ता के भूखे लोग दिखाई देते हैं, सत्ता के भूखे लोग। सबको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। आपको नहीं पता क्या, आपकी पार्टी के पास भी मिनिस्टर बनने के ऑफर थे कि आप आइए केंद्र में मंत्री बनिए, कुर्सी में बैठिए, सड़क के संघर्ष का रास्ता छोड़िए और बढ़िया पैसे कमा के बढ़िया सुरक्षा सुविधा लेके आगे बढ़िए। लेकिन आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के नेताओं ने इस मनुवादी पार्टियों की मिनिस्ट्री को लात मारने का काम किया और विपक्ष का रास्ता चुना कि हम लोग विपक्ष में रहकर अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, क्योंकि उन दलों में रहकर, उन दलों की सरकारों में रहकर हम लोग सुख सुविधा तो ले सकते हैं लेकिन अपनी एक भी पॉलिसी को लागू नहीं करा सकते हैं। इसलिए उन पार्टियों से, उन विचारधारा के लोगों से ना आज ना जिंदगी में हमारा कोई समझौता होगा। हम लोग उनसे विचारधारा के आधार पर संघर्ष को जारी रखेंगे, जैसे हमारे महान पुरुषों में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, महामना रामसु वर्मा ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने,
सदगुरु कबीरदास जी ने, भगवान बुद्ध ने और जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज ने, भगवान वाल्मीकि महाराज ने, गुरु नानक देव ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए, सम्मान की जिंदगी के लिए संघर्ष किया। हमें भी उसी तरह से संघर्ष को आगे बढ़ाना है। मैं जब घूमता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, तो लोगों का प्यार देखता हूं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था, गांव गांव से पैसे इकट्ठे हुए, मेरे आज भी याद है, क्योंकि भारत में चुनाव बड़े महंगे हैं। मैं केतली लेके जाता था, कोई गरीब परिवार का आदमी 1 रुपया डालता था, कोई 10 रुपये डालता था, कोई 20 रुपये डालता था, कोई 100 रुपये डालता था, कोई 500 रुपये डालता था, कोई 1000 रुपये डालता था। लेकिन यहां तो इस देश में 1 रुपया भी भिखारी को देते हुए आदमी 4 बार सोचता है, मेरा पैसा गलत जगह तो नहीं लग रहा, मेरा पैसा किसी गलत काम में तो नहीं लग रहा। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 100-100, 1000-1000 रुपए देते हुए उनके दिल में क्या इच्छा रही होगी कि भाई ये मूवमेंट चलनी चाहिए, ये मूवमेंट आगे बढ़नी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम जी के विचार आगे बढ़ने चाहिए, इसलिए हमें चंद्रशेखर आजाद को वोट और पैसे दोनों से ताकत देनी। कई जगह से पैसे आए, नोट जब हाथ में पकड़ा तो मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब आ गया। नोट की मोटाई देख के लगता था कि कई मजदूरों के हाथ से नोट निकल के आया। मैंने कुछ नोट तो उठाकर भी रखे हैं, कुछ नोट अपने पास, जब तक मैं जीऊंगा वो नोट मेरे पास ही रहेंगे। वो नोट नहीं मेरे लिए, वो उन गरीबों का आशीर्वाद है मेरे सर पे, जिन्होंने हम लोगों पे भरोसा किया। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, अभी जब मैं विदेश दौरे पे था, 4 जगह पे मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मैंने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वो गोल्ड मेडल तो ले लिए, लेकिन आपको याद होगा, मैंने हाथरस की घटना के बाद, हमारे दिल्ली के लीडर सब लोग जानते हैं, ये संकल्प लिया था कि जब तक इस देश में हमारा राजकाज नहीं आएगा, बहुजन समाज के लोग इज्जत की जिंदगी नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनूंगा, चाहे नोटों की हो, चाहे फूलों की हो, चाहे कागजों की हो, कैसी भी माला हो। आप जब मैं यहां जाता हूं प्रदेश भर में, तो माला लेके स्वागत करते हैं, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि मैं माला नहीं पहनता हूं। जब मैं नगीना चुनाव लड़ने गया तो वहां के लोग भी माला लेके आते थे, मैं उनसे कहता था मैं माला नहीं पहनता हूं, तो वो कहते चुनाव जीतने के बाद पहनाएंगे, तो मैंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए के बाद भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे चुनाव जीतने से बहुजन समाज की गरीबी, बेबसी, लाचारी नहीं खत्म होगी। हम लोग भी माला पहनना चाहते हैं, वो दिन भी आए, लेकिन वो तभी आएगा जब इस देश में बहुजन समाज का व्यक्ति, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चीता हो, जो हमारे संतों गुरुओं महान पुरुषों की विचारधारा पे चीता हो, जब वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हम लोग भी माला पहनेंगे, उससे पहले हम लोग माला नहीं पहनेंगे। तो जब उन्होंने मुझे सोने के मेडल पहनाए, आज ये बात मैं वचन दे कह रहा हूं, मैंने वो मेडल हाथ जोड़ के वापिस कर दिया और उनसे कहा कि जिनका मैं नेतृत्व कर रहा हूं उनके पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं, उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, उनके पास तो सर ढकने के लिए अच्छी छत भी नहीं है, उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है, उनकी बच्चों के पास तो इज्जत की जिंदगी तन ढकने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं है। अगर उनका नेता सोने का मेडल पहन के घूमेगा, सोने की अंगूठियां पहन के घूमेगा, तो उनके मन में ये पीड़ा ना पैदा हो जाए कि अब ये हमारा नेता नहीं रहा है, तो मैं इन मेडल्स को नहीं ले सकता हूं, मैंने वापस कर दिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन आपने देख लिया कि चंद्रशेखर आजाद सोने की चैन पहन के, गले में सोने की चैन पहन के, मेडल पहन के, सोने की घड़ी पहन के, सोने की अंगूठियां पहन के घूमने लगा है, आप समझ लेना आपका नेता बिक गया है,
वो अब आपका नेता नहीं रहा, अब वो मनवादियों का हो गया है। क्योंकि सच तो ये है कि जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने आंदोलन चलाया आपकी जैसी जिंदगी जी। मैं वचन देके कहता हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं बहादुर साथियों, हालात आपको लगे तो आप ये समझ लेना कि आपका नेता डर गया है या आपका नेता बिक गया है। उस दिन आप मेरा सार्वजनिक रूप से विरोध करने लग जाना, लेकिन अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी मेरी तरह दिन रात संघर्ष करना चाहिए। अभी हरियाणा और जम्मू के चुनाव हैं। मैं हरियाणा से आए साथियों से कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आपके कानों में डाली जाएंगी। आप ये देखो, ये पार्टियां जो जिनको हमारे लोग सत्ता देना चाहते हैं, 2018 में राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस के लोग अपने 20 एमएलओ को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी सरकार बन गई, उनके लोगों ने उनको राजनीतिक सत्ता को समझते हुए एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस के लोग राजस्थान में भी 20-20 एमएलए लेके उनके नेता हरियाणा आ गए सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ मिलके, तो उनके लोग भी अगर बन जाते तो उनकी पार्टियां भी स्वीकार कर लेती, उनके लोग भी स्वीकार कर लेते। हमारे लोग भोले भाले हैं, इनको पढ़ा दिया जाता है कि वो फलानी पार्टी है, वो ढिमकी पार्टी है। जब तक राजनीतिक ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, जब तक राजनीतिक ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, कांग्रेस सत्ता में बैठे है बीजेपी, आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं। आप मेरी बात को याद रखना, आपके लोग की जिंदगी बदलने वाली नहीं। अगर ये दल इतने अच्छे होते, अगर ये दल इतने अच्छे होते तो आप ये बताओ कि ये अगर इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अंबेडकर को पार्टी क्यों बनानी पड़ती? अगर ये दल इतने अच्छे होते, आपकी मांगों के लिए लड़ रहे होते, आपकी समस्याओं के लिए लड़ रहे होते, तो बाबा साहब अंबेडकर को अपने 4-4 बच्चे कुर्बान क्यों करने पड़ते? वो भी चैन से बैठ के सो जाते, वो भी नींद ले लेते, वो भी अच्छा भोजन प्राप्त कर लेते। इन्हीं दलों ने बाबा साहब अंबेडकर को खून के आंसू रुलाए, और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लोगों का भला करने के लिए अपना दल बनाया। जब माननीय काशीराम साहब उनके आखिरी दल में प्रयास करते रहे, कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने सुनी नहीं, तो उन्होंने भी निराश होकर अपना दल बनाया। और आज जो हम लोगों ने किया, ये हमने बाबा साहब अंबेडकर से, माननीय काशीराम साहब से सीख के किया कि जब हम अपने पुराने दल को कहते रहे, उनको खुद तो लड़ना नहीं है, वो भाजपा कांग्रेस से लड़ने की बजाय हमारे लोगों पे हमलावर होते रहे, तब फिर हमने भी अपना दल बनाया और हमने 4 साल में अपना बल भी देश की जनता को दिखाने का काम किया है। ये बात इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई करने पे आ जाए, यानी कि माननीय काशीराम साहब जैसे कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं, तो अगर कोई करने पे आ जाए और उनके पास ऐसे नेता हो तो मंजिल दूर नहीं है। सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश में भी हम लोग कुछ वोट से हार गए। सम्मानित साथियों, राजस्थान में तो 3-3 सीटें हम लोग कुछ ही वोट से हार गए, और कई सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पे रहे। अगर आप लोग मेहनत करने लग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, सरकारें चलेंगी तो आपकी चाबी से, आपकी ताकत से, वरना सरकारें नहीं चलेंगी। अब हरियाणा की बारी है मेरे लोगों, इस पे मंच पे बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, हरियाणा की बारी आ गई है, जम्मू की बारी आ गई है, आप भी मैदान में उतर जाओ और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करो। वहां की सरकार में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, पॉलिसी नहीं बनेगी तो 400 रुपए की मजदूरी से आपके लोग कभी पैसे वाले नहीं होंगे, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजकाज लाओ। कई ऐसी मांगे हैं जिनको अभी और रखना है, लेकिन मैं आपसे जो पहले कह रहा हूं उस पर गौर करो। आप ये बताओ, राजकाज आपके पास नहीं होगा तो आपकी सुनवाई कैसे होगी? बताओ,
थाना कचहरी में आपकी बात कौन सुनेगा? आज हमने राजकाज लाया तो बिजनौर में सारे अधिकारी हमारे लोगों की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं, लेकिन जहां हमारा राजकाज नहीं है वहां तो हमारे लोग थाने कचहरियों में जाते हैं, दफ्तर में बैठे अधिकारी सुनते भी नहीं है। हरियाणा में और जम्मू में हमें राजकाज में हिस्सेदारी लानी है, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हमें सफलता हासिल करनी है, इसके लिए भी हमें कमर कस लेनी चाहिए। और कोई रास्ता इस देश में इज्जत की जिंदगी का नहीं है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए तो राजकाज हासिल करो। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पड़े रहे कि कभी इनको हराने के लिए इनको वोट दे दो, कभी इनको हराने के लिए इनको वोट दे दो, तो आपको फिर जूते ही मिलेंगे, आपको इज्जत की जिंदगी नहीं मिलेगी, आपको झूठा नहीं मिलेगी, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। हम पे पॉलिसी है, हम पे नियत है, हम पे नीति है। मैं आपको पार्टी की तरफ से वचन देता हूं, एक बार राज सत्ता में आजाद समाज पार्टी को आने दीजिए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो हिंसा की जा रही है, अगर ये लोग प्रदेश छोड़ के ना चले जाएं, तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस बात को आप लोग याद रखें। आज जिस तरह से मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को जमींदज किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनके कारोबारों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से उनपे हिंसा हो रही है, जिस तरह से भय का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों, याद रखना, अभी जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक नेता जिंदा है, आपका ये बांटने का सपना, टराने का सपना पूरा नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग याद रखना। आज जिस तरह से किसान परेशान है, एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे पाई सत्ता में बैठ के, जिस तरह से न्यूनतम वेतन सुनिश्चित नहीं है, कोई 300 देता है, कोई 250 देता है, कोई 400 देता है, 250 300 मांगने पे भी मारता है, मेरा ये मानना है कम से कम 700 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए अंतिम व्यक्ति के लिए भी। 700 रुपए एक ऐसी अमाउंट है, एक रकम है जिसमें आदमी एक दिन का जीवन ईमानदार से अच्छी तरह से जी सकता है। ये जो टैक्स लगा दिया है, इस टैक्स को कम करना चाहिए। और जैसा मैं आज का आपको कह रहा था, हम पे पॉलिसी है कि गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में हम लोग प्राइवेट स्कूल से बढ़िया शिक्षा दिला सकते हैं। जब हम ये कानून बना देंगे कि चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, क्लास वन का अफसर हो, क्लास फोर का अफसर हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेहतर शिक्षा आएगी, तभी जाके देश में बदलाव होगा। क्योंकि बिना शिक्षा के हम लोग दोस्त दुश्मन को भी नहीं जानते। हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जब हम पे राजकाज आएगा तो हम लोग जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी कायाकल्प कर देंगे, और चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थाना इंचार्ज हो, कानूनगो हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच हो, जिला पंचायत का मेंबर हो, कोई भी आदमी हो जो सरकारी सुविधा लेता है, सरकारी तनख्वाह लेता है, या किसान मजदूर हो, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, इलाज की कमी कारण गरीबों की जान नहीं जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अब समय आन पड़ा है कि हमें घर से निकल के भाईचारा बना के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा, और अपने दल को मजबूत करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेके इस जुल्म जाति की जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। आप ये बताओ, क्या महिलाओं पर हिंसा सरकार रोक पा रही है? क्या महिलाओं पर हिंसा सरकार रोक पा रही है? रोज अखबार पढ़ो, उत्तर प्रदेश का, कोलकाता का,
हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, तो इतनी घटनाएं होती हैं, किसी बेटी का बलात्कार, किसी बेटी की हत्या, किसी बेटी को जला दिया, किसी बेटी को मार दिया। और यूपी में तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और अभी अभी फर्रुखाबाद में दो बच्चों को मार के, नाबालिग बच्चों को लटका दिया गया, और पुलिस ने उन परिवारों को कह दिया कि अगर एफआईआर लिखाओगे तो तुम्हें जेल भेज देंगे। फिर मैंने वहां के एसएसपी एसपी को फोन किया कि मैं परसों आ रहा हूं, तो आनंद फानंद में बुला के एफआईआर दर्ज करके कहा कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये तो अगर भीम आर्मी ना होती, आजाद समाज पार्टी ना होती, तो न्याय तो दूर की बात है। ये दल आपको, जिनकी सरकारें हैं, दफ्तरों में भी नहीं घुसने देते इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे। ये तो धन्यवाद करो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक लड़ाके का, कि वो अपना काम जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। मैं यहां से आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत सारे चेहरे को देख रहा हूं जो अपने अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी के मान सम्मान को कम करते हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और कोई दल भी नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट दे के लड़ा दे, सारे लोग पैसे वालों के देसी हैं। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहां से किसान मजदूर का बेटा भी, कर्मचारी का बेटा भी विधायक और एमपी आने वाले समय बनेगा, इस बात को आप याद रखना। अब हम पे तीन लक्ष्य हैं आगामी। पहला, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव। मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से सबसे कहना चाहता हूं, अब परीक्षा का समय नहीं रहा है, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर राज का चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज इस सरकारों ने ले रखा है। महिलाओं पर हिंसा रुके, यह हमारे महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, किसी भी देश की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता। हम अपने महापुरुषों को, सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों उठाओ, दोनों, एक हाथ नहीं, दोनों उठाओ हाथ, ऐसे दोनों, दोनों, एक नहीं, दोनों, दोबारा दोनों हाथ उठाओ ऐसे। क्या हम इस देश में राजकाज के लिए तैयार हैं? जो मांगे हमने उठाई हैं, अगर सरकार उन पे गौर नहीं करेगी तो क्या आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हो? क्या आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो? तो हम सरकार को नवंबर तक का समय देते हैं। कितना समय? यह सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का समय हम लोग देते हैं। नवंबर में हम लोग पार्टी की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठा के दोबारा से तय करेंगे। सरकार हमारी मांग को हल्के में ना ले, मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल हल्के में ना ले सरकार हमारी मांग को। अगर गोरखपुर के साथियों से कह रहा हूं, अगर अक्टूबर तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो नवंबर में फिर वापस लौटेंगे, इस बात को आप लोग याद रखना। हमारी जिंदगी, क्या जिंदगी अगर अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए? अगर अक्टूबर तक मांग नहीं मानी गई तो प्रधानमंत्री जी आपसे कहता हूं कि नवंबर में फिर लौटेंगे, इतनी ताकत से लौटेंगे कि दिल्ली छोटी पड़ जाएगी, याद रखना मेरी बात। हमारे बैंक के साथियों का, बीएचएल के साथियों का, रेलवे के साथियों का, सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे कोतवाली के साथियों का,
संविधान, जय संविधान, जय मंडल, जय मंडल, जय जोहर, जय जोहर, जय जवान, जय जवान, जय जवान, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। हम ना किसी से भीख मांगते, हम ना किसी से भीख मांगते, हम ना किसी मांगते, जोर जुलम की टक्कर में, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा, वही राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, हमारा डीएससी भाईचारा जिंदाबाद, हमारा डीएससी भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। शांत हो जाओ,